नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन वेडनेसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हम आज के दिन की बात करें तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था 100 पॉइंट्स, फिर डे स्लो था 17,224 के करीब। दोस्तों, अगर जिन्होंने 17,300 ब्रेक करते, अगर जिन्होंने भी बाई किया रहेगा, उनको 50-60 पॉइंट्स का अच्छे से प्रॉफिट हुआ रहेगा निफ्टी में, और क्लोजिंग भी समथिंग उधर ही हुई है 17,324 के लेवल्स पे। 43 पॉइंट नीचे आगे क्लोज हुआ है, 17,300 के नीचे और वीकनेस आएगा, आप शॉर्ट सेल कर सकते हो 17,300 के नीचे। जैसे आपकी रिस्क कैपेसिटी उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट, या फिर आप होल्ड कर सकते हो शॉर्ट पोजिशंस। टारगेट्स रहेंगे 17,300 के नीचे की क्लोजिंग में, टारगेट्स रहेंगे 17,117,000 के। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,893 के लेवल्स में क्लोज हुआ है, फ्लैट क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को ही शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि 37,000 के नीचे लेवल्स में क्लोज हुआ है। टारगेट्स रहेंगे 36,500 36,300 तक जा सकते हैं या आने वाले दो दिन में, वेडनेसडे एंड थर्सडे एक्सपायरी के लिए। तो दोनों पोजिशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में शॉर्ट पोजिशन की राय रहेगी। SL रहेगा निफ्टी का 17,350। जी हाँ दोस्तों, और निफ्टी बैंक का रहेगा 37,000। ये दोनों SL प्लेस करके आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो दोनों इंडेक्सेस में, आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे आने वाले वेडनेसडे और थर्सडे में। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।